हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जब हमारा पीसी या लैपटॉप है काफ़ी दिन हम यूज़ करते रहते हैं तो उसके बाद में वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है क्योंकि काफ़ी डाटा टेम्प्रेरी फाइल उसमें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको किस तरीके से क्लियर किया जाए और अपने पीसी को बूस्टअप किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले हमें विंडो प्लस आर प्रेस करना है, उसमें टाइप करना है PREFETCS, इसमें आप क्लियरली मेंशन दिख रहा है तो इसको आप टाइप कीजिए। उसके बाद में आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जितने भी इसमें टेम्प्रेरी फाइल है उनको ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ऑल। उसके बाद में उसको शिफ्ट प्लस डिलीट से आप परमानेंटली उसको डिलीट कर दीजिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो चुकी हैं। कुछ फाइल्स हैं वो करंटली रन हैं इसलिए वो डिलीट नहीं होती हैं, तो उनका आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वही विंडो प्लस आर प्रेस करना है और नेक्स्ट कमांड टाइप करनी है उसके अंदर। इसमें आपको लिखना है टैम्प TEMP, इसको आपको सर्च मारना है। जैसे आप सर्च मारेंगे उसके बाद में इसमें लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसमें जब भी आप टेम्प्रेरी फाइल है उनको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे इनको ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ऑल, उसके बाद में शिफ्ट प्लस डिलीट करके इनको दोबारा से डिलीट कर देना है। तो ये फाइलें मैंने डिलीट कर दी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दोबारा से आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है परसेंटेज का जो आइकन होता है वो दबाना है TEMP टैम्प दोबारा से परसेंटेज, इसको लिखने के बाद में आपको सर्च करना है दोबारा से ओके पे। तो जितनी टेम्परेरी फाइल है इनको भी ऑल सेलेक्ट करना है और इनको डिलीट कर देना है। जस्ट मैं शिफ्ट प्लस डिलीट का किया है कि इसको दबाने से क्या होता है और रिसाइकिल व्यू में फाइलें नहीं जाती हैं, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आपको विंडोज सी पे जाना है, उसमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। वहाँ पर आपको डिस्क क्लीन का एक क्लीनअप का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको प्रेस करना है। इस तरीके से ये फाइलें ओपन हो जाएंगी, इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इनको सभी को डिलीट कर देना है, ओके पे प्रेस करना है, डिलीट कर देते हैं इनको। तो ये सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी, जितनी भी टेम्परेरी फाइल है, विंडो अपडेट है, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, वो आपके पीसी की प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट दोबारा से आपको डिस्क क्लीनअप पे आना है और उसके बाद में दोबारा से वही सेम फाइल ओपन होंगी। इसमें क्या होता है कि सभी फाइलों को वो कैलकुलेट करता है कितनी टेम्परेरी फाइल हैं, उनको कैलकुलेटिंग करने के बाद में ही सबको ओपन करने का प्रयास करता है। ये प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना टाइम उसमें लग सकता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये लैपटॉप सेकेंड जनरेशन का है, बाकी सभी में सेम प्रोसेस है। विंडो 10 हो या विंडो 7 हो, सभी में यही प्रोसेस है। तो आपके पास अगर विंडो 10 है तो भी आप उसमें इसी तरीके से कीजिए, आपका जो लैपटॉप है उसकी स्पीड बूस्टअप हो जाएगी। क्योंकि जो 10 होती है उसमें विंडो के अपडेट आते रहते हैं, काफ़ी GB में अपडेट आते हैं, दो दो तीन तीन GB, उसकी जो टेम्परेरी फाइल है वो 20-20 GB तक बन जाती हैं। तो मैं आपको इसमें भी दिखाऊँगा, इसमें तो ज़्यादा है नहीं क्योंकि विंडो 10 है, इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से क्लीन कर रखा है, तो इसमें किसी प्रकार का भी अपडेट आया नहीं था, तो कम टेम्परेरी फाइल। लेकिन आप काफ़ी समय से नहीं करते हैं और नेट से कनेक्ट रहता है लैपटॉप, तो उसमें काफ़ी फाइलें टेम्परेरी फाइलें बन जाती हैं जो कि 20-40 GB हो जाती हैं, जिससे क्या है सी ड्राइव है उस वो फुल हो जाती है और उससे अपनी रैम भी फुल हो जाती है, जिससे PC वो स्लो हो जाता है। तो ये समस्या उसमें आती रहती हैं। तो अभी इसमें टाइम लग रहा है, इसमें काफ़ी समय लग गया है, तो मैं इसमें वीडियो बीच में स्किप भी किया था लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो ये हो जाएगा अभी, जैसे ये खुल गया। अब इसमें फाइलें सेलेक्ट करना है फर्स्ट में, जैसे विंडो अपडेट का जिसमें आप देख सकते हो 367 MB का, लेकिन यहाँ पर आपको 20-20 GB 40-40 GB तक मिलेगा डाटा। इनको सभी को सिलेक्ट कर लेना है। ओके पे प्रेस करना है और इनको सभी को डिलीट कर देना है। अब इसमें क्या है,
टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लीन होने में क्या होती है, जो फाइलें होती हैं उनको सर्च कर करके उनको डिलीट करना पड़ता है, तो जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका, वो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में जितनी टेम्प्रेरी फाइल है उनको सबको सर्च करता रहेगा, उनको स्कैन करता रहेगा, उनको एक एक फाइल को डिलीट करता रहेगा, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। जो अच्छी प्रोसेसिंग वाले लैपटॉप होते हैं उनमें 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, और जो थोड़े पुराने लैपटॉप हैं जिनका प्रोसेसर थोड़ा वीक है उनको आधा घंटा भी लग सकता है, 40-45 मिनट भी लग सकती हैं, अगर ज़्यादा डाटा है तो 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को करने के बाद में आपका लैपटॉप है उसकी जो स्पीड है, वो आप इसको एक बार इस प्रोसेस को कीजिए और उसके बाद में आप उसको कंपेयर कीजिए जो पहले आपकी क्या स्पीड थी और अब कितनी स्पीड है, तो स्पीड में आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इस जो लैपटॉप है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा आपका, परफेक्ट काम करेगा, और ऑन ऑफ़ करने की जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगी। किसी चीज़ को आप किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो भी उसमें बहुत आपको फास्ट लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप पीसी के अंदर आप अपनी उसकी स्पीड को बूस्टअप कर सकते हैं, और उसमें जो अपने सी ड्राइव का जो स्टोरेज भर जाता है उसको भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने का तरीका भी यही है। इसमें मैं एक ऑप्शन और था इसमें ऑप्टिमाइज़ करने का, लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। चाहे तो आप इसमें लिखा हुआ रहता है यहीं पर, आप उसमें अपनी डिस्क को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है स्पीड के अंदर। तो ये चीज़ें मैंने इसमें नहीं दिखाई हैं लेकिन आप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।